कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादास्पद पाया। उन्होंने कहा सीता का हरण करने के लिए रावण भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। नाना पटोले महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के भाषण पर पलटवार कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर विवादास्पद बयान दे दिया। भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे, भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना भगवादारी कपड़ा पहनते यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, यह हमारा कहना। आखिरी चाइना ने कब्जा किया उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते, तुम तो जो अपना देश है वो देश की बात, वो तो उसको कब्जा दूसरा देश कर रहा है और तुम योगी की बात कर रहे हो। पांचवें चरण में मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए बवाल से जुड़ी वोटिंग के वक्त पश्चिम बंगाल की कई लोकसभा सीटों पर झड़प की खबरें सामने आई। कई मतदान केंद्रों पर तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में सीधी भिड़ंत हो गई। पांचवें चरण में बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा बवाल उत्तर 24 परगना जिले की लोकसभा सीट बैरकपुर पर हुआ, क्योंकि वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर एक बूथ पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए। इसी बात को लेकर वहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। और इतना ही नहीं, बैरकपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची को घेर कर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कौस्तुभ बागची ने आरोप लगाया कि बैरकपुर लोकसभा सीट के टिटागढ़ इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों ने हिंदू समुदाय के मतदाताओं को वोट न देने के लिए डराया धमकाया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी कार पर हमला कर दिया गया और इसकी वजह से कौस्तुभ बागची को अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां से भागना पड़ गया। इस घटना से कुछ देर पहले की तस्वीरों में बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची लोगों की भीड़ से घिरे दिखाई दिए। दोनों तरफ से काफी देर तक तीखी बहस होती रही। गुस्साए लोग बीजेपी नेता को वहां से फौरन चले जाने के लिए हाथ से इशारा करते दिखाई दिए। इस दौरान सुरक्षा कर्मी बड़ी मुश्किल से भड़के हुए लोगों को संभालते नजर आए। जब भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया तो 2 पुलिस वाले कौस्तुभ बागची को समझा बुझा कर कार की तरफ लेकर जाते दिखाई दिए, लेकिन इसी दौरान एक महिला ने उनका गमछा छीन लिया। गुस्से से आग बबूला हुए वो लोग तो मानो बीजेपी नेता को वहां एक पल भी खड़े रहते देखना नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो कौस्तुभ बागची की गाड़ी पर हाथ से तब तक पीटते रहे जब तक वो वहां से चले नहीं गए। लोगों के हमले में कौस्तुभ बागची की गाड़ी का पीछे वाला शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन इस दौरान बीजेपी नेता की गाड़ी वहां से इतनी तेजी से निकली कि वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि लोगों की भीड़ से बचने के लिए कौस्तुभ बागची के ड्राइवर ने कार को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया और इस दौरान कई लोग तो उस कार के बिल्कुल सामने आ गए। तस्वीरों में दिखा कि 2 लड़के तो कौस्तुभ बागची की कार के अगले हिस्से से टकराते टकराते बचे। हालांकि बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां से निकल गए, लेकिन भीड़ के हमले में उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। भाजपा नेता कौस्तुभ बागची की गाड़ी है जिसमें शीशा टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। बैरकपुर लोकसभा सीट के टीटागढ़ इलाके में हुए इस हंगामे और बवाल के बाद सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। कौस्तुभ बागची ने आरोप लगाया कि बैरकपुर लोकसभा सीट के टीटागढ़ इलाके में हिंदू मतदाताओं को वोट देने से रोका गया। यहाँ पे जो रोहिंग्याओं का जो बस्ती है, यहाँ पे हिंदुओं के घर घर में जा जाके यहाँ